विद्यार्थी सबके अधिकांश के रहे छै जे काल पढ़ब, काल से जे से निमन से पढ़ब, हम अखनी से पढ़ब से नहीं, काल से हम निमन से पढ़ब, आप जैसे परीक्षा नजदीक अबै छै तब जे से हम तैयारी करब, और एहि बेर जे एसएलसी अबै छै तऽ एहि मे जे से एक धक्का लगा देबै, देखल जेतै। समय के इंतजार, हम समय के इंतजार करब वाला विद्यार्थी हुए चाहे जे कोई हुए, अगर डॉक्टर मिथिलेश सा समय के इंतजार करते, एतिक बड़का इमारत और एतिक बड़का स्कूल के निर्माण नहीं होते, बहुत छोट समय में वो बहुत बड़ा कृति का गौ चल गया। इस बारे हम सब समय के इंतजार बिल्कुल नहीं करें, समय के इंतजार करके अपन समय के हम सब बर्बाद नहीं करें। हम सब भाई बात करब दोसर बात जो मोटिवेशन सेमिनार है, लेकिन हम अहाँ के मोटिवेशन कर अहाँ सब नहीं किया। मोटिवेशन केकरा करे छे? मोटिवेशन करे छे इडियट के, लेकिन मोनास्टिक के ही विद्यार्थी सब इडियट नहीं छे। ते दुआरे ये मोटिवेशन सेमिनार नहीं है, हम सब आई शेयर करब एक दूसर के अनुभव, ये अनुभव के शेयर के कार्यक्रम है। ये मोटिवेशन क्लास नहीं है, और हम कहो जो मोटिवेशन पर यहां से विश्वास नहीं करब। एक घंटा में कोई यहां के मोटिवेशन कर दे, एक दिन में कोई यहां के मोटिवेशन कर दे और यहां अगर विचार के मान लेबे, ये मोनास्टिक के विद्यार्थी सब के बिल्कुल यहां के नहीं माने के चाहिए। हमरा बुझाए विद्यार्थी सब नहीं मानते, कारण मोनास्टिक के विद्यार्थी सब देश विदेश में नाम कमाबे छे। अगर मेडिकल में निकले छे तो मोनास्टिक के नाम आबे छे, इंजीनियरिंग में चाहे इंडियन एम्बेसी के बात करी मोनास्टिक के विद्यार्थी सब के नाम होवे छे। तै दुआरे ई मोटिवेशन सेमिनार नहीं है, और मोनास्टिक के बच्चा एकटा होनहार बच्चा है जे क्रिएट करे छे, जे क्रिएशन करे छे, जे क्रिएशन पर विश्वास करे छे, जे केकरो मोटिवेशन में कोई कोनो चीज समझा दे वो जल्दी समझ जाए। हम कहब जे अपने सब जल्दी कोई समझा दे और अहां समझ जाए से नहीं, ओकरा एनालिसिस करो। चाणक्य कहे छे यहाँ के चाणक्य जे नीति है जे कोई कोनो चीज कहे तो ओकरा दो तीन एंगल से देखी, की भ सके ही करबे, तब नहीं करबे तो की भ सके ही, आ करबे तो केना करबे ई काय, अहाँ के प्लान होबे के चाही। तै दुआरे हम सब आई तीन टा चीज में बात करब, एक टा बात करब एजुकेशन के, जे एजुकेशन की है, दोसर हम सब बात करब क्लीन के, सर सफाई के, और तेसर बात करब हमर मित्र आयल छथिन सुरेश शर्मा जी फॉरेस्टर ग्रीन के, एजुकेशन क्लीन और ग्रीन तीन टा पार्ट के हम सब बात करब। लेकिन सबसे बड़का बात हम सब करब शुरुआत करब एजुकेशन के। एजुकेशन एहन चीज होइ छै जे जीवन के आगाड़ी बढ़ा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे छै। एजुकेशन शिक्षा जे है वो अपने के अपना समझे कतो सीढ़ी पर चढ़े छिए, स्टेयरिंग पर चढ़े छिए, ते दुआरे जीवन के आगे आगाड़ी बढ़ा के है तो शिक्षा चाहिए। अगर अहाँ शिक्षित नहीं छी तो अहाँ जीवन में कहियो आगाड़ी नहीं बढ़ब, और धर्मशास्त्र भी कहे छै जे बिन शिक्षा के मनुष्य पशु के समान होइ छै। ते दुआरे हम सब जे से आई बात करब शिक्षा के, शिक्षा और बंदूक और पैसा, तो बहुत आदमी के मानना रहे छे जे शिक्षा से बेसी शक्तिशाली होइ छे पावर, बेसी शक्तिशाली होइ छे बंदूक। हम आज सबसे पूछा विद्यार्थी भाई बहन से कि वास्तव में शिक्षा से बहुत पावर पैसा और बंदूक होइ छे? पक्का नहीं होइ छे। शिक्षा के अगाड़ी में, ज्ञान के अगाड़ी में बंदूक और पैसा अगाड़ी नहीं हेतु, तेकर कारण की है अहू सब नहीं मान लिए, हमारा भैया जो बुझा वाला होते वो बिल्कुल नहीं मानते। अगर हमारा पास में बंदूक है, कोई राजा के पास में बंदूक रहे और अपन सेना रहे थे, तो यथार्थ पैसा रहे, हम राजा ज्ञानेन्द्र के बात करी तो साम्राज्य जैन तक रहे तैयन तक शासन रहे। राजा ज्ञानेन्द्र के शासन भारत में तो नहीं भेले, ओकर शासन कतय तक रहे? नेपाल में, ओकर तक सेना रहे, ओकर साम्राज्य रहे, और ओहो शासन
बहुत सीमित अवधि के लिए रहे, पैसा और बंदूक के बल पर शासन रहे सीमित अवधि के लिए। लेकिन अगर हम सब ज्ञान के बात करिए, एजुकेशन के बात करी, तो आइंस्टाइन के शासन कतना तक रहे, कोई ज्ञान के कतना तक पूजे छे, संसार भर पूजे छे। हम सब थॉमस अल्वा एडिसन के बात करी, कतना तक पूजे छे उनका सबके, या डार्विन के बात करी, विश्वव्यापी रूप में पूजे छे, या रविन्द्रनाथ टैगोर के बात करी। ज्ञान में वो शक्ति हुई छे जो संसार भर पूजे छे, लेकिन बंदूक और पैसा वाला शक्ति वो सीमित अवधि के लिए रहे छे और सीमित एक एरिया में रहे छे। तै दुआरे एजुकेशन बहुत बड़ा संपत्ति है छे। एजुकेशन प्राप्त केना करी, तब एजुकेशन प्राप्त केना करी, एजुकेशन प्राप्त करे के विधि सब की है छे। अगर विधि सब की इसे कहल जाए, एजुकेशन केना केना प्राप्त करी, हम एजुकेशन प्राप्त करे के विधि की है छे। की विधि है कहा जाता, कोई एक आदमी कहा जाए एजुकेशन प्राप्त करे के विधि की है, केना एजुकेशन प्राप्त हेते, एक आदमी कोई कहो, एजुकेशन कतो से भी पावे सके छे, स्कूल में जाय छी एजुकेशन सीख सके छी, एजुकेशन सीखे के लागी जरूरी नहीं कि स्कूल में सीखे, चाहे छी घर में सीख सके छी, अपन से पेरेंट्स से सीख सके छी, अपना से छोटका से सीख सके छी, एजुकेशन लिमिट नहीं है। वो ई बुआ के नाम की भेले जेनिस कुमार सर, जिनका नाम पर एक ताली बजा दी, एकदम सही कह रहे ई बुआ। एजुकेशन के हम सब सिर्फ एक जगह देखबे अखन के भौतिकवादी युग में, तो हम पाछू पड़ जाए। एजुकेशन कखन तो काल प्रकृति से अहाँ के सीख सके छे, एजुकेशन छोट बच्चा से अहाँ के एजुकेशन सीख सके छे। अहाँ सब अखन एक फिल्म हॉल सब में चले छे दंगल कहकर, के सब चीज देखने हाथ उठाओ, हम तो कहा फिल्म सब गोटे देखू। यह बहुत दिन के बाद यहाँ एक फिल्म में रही है, जे फिल्म बेटी की चीज हुई छे, सीता की चीज हुई छे, और ये मात्र सीते नहीं, ये रामों पर है स्टोरी, ये जीवन के आगाड़ी बढ़ा के भी स्टोरी, ये बहुत चीज वही में झलके छे। ते दुआरे आमिर खान पिता के रोल में छे, अपन बेटी के जे शक्ति हुई छे, वो शक्ति वो कखन देखे छे, जखन बदमाश लड़का के उनकर बेटी पिटाई कर देहारत रह देवे, तब वो देखे छे, तब उनका आमिर खान के याद अब नहीं, बेटी और बेटा में वह शक्ति है, बेटी और बेटा के समान देखी, और हम तो झूठे के बेटा के लिए परेशान छे, बेटिए के हम बेटा बनाकर अपन नाम, बेटी के नाम और देश के नाम रोशन कर सके छे। तो लड़ के आमिर खान बेटी के देखल के यहाँ के बदचल लड़का के पीटल के बेहालत जे कदल के आ शिकायत कर गार्जियन, तखन वही से वो लड़ के। ते दुआरे एजुकेशन अखन जे से एजुकेशन एक एंगल से मात्र एजुकेशन देखबे तो सफल नहीं, हर एक एंगल से एजुकेशन अहाँ के जैसे प्राप्त करे पड़त। अहाँ सबके याद दिलाबे छी आइंस्टाइन के बारे में सर सब अहाँ के पढ़ेने हो, वो 4 बरिस तक बोलबे नहीं करे, गुंगा रहते, और 7 बरिस तक ला निरीक्षण रहे, अनपढ़ जो कहे छे अनपढ़ गवार, अनपढ़ गवार रहे 7 बरस तक ला। लोग और परिवार की कहे जे मेंटल कमजोर है, एक मानसिक संतुलन ठीक ना है। लेकिन विज्ञान के रचयिता, विज्ञान के जननी, विश्वव्यापी रूप में विज्ञान के थ्योरी और विज्ञान के सिद्धांत के कैस का पकड़ कर अई हिसाब से उजागर कल के जे विश्वव्यापी रूप में साइंस पढ़ा वाला और दूसरों पढ़ा वाला
हरेक कॉलेज में जाए हरेक स्कूल में जाए संसार के तो उनकर जैसे यहाँ के फोटो मिलत। दोसर जे असफलता भीतर सफलता देखे के चाहिए, लेकिन अपना सबके की भ गेल है असफल भेली तो निराश भ गेली। परीक्षा में जे कम मार्क आए तो टीचर से हो कहलक जे ई पढ़ वाला न है, गार्जियन गेल तो बहुत गार्जियन विद्यार्थी के पीटो देलक धियापुता के जी या भी पढ़ वाला न है। मार्क कम देखते बच्चा में की क्वालिटी है वो क्वालिटी टीचर से हो नहीं रही थी देखा चाहे और गार्जियन से हो नहीं रही थी बुझा चाहे, सीधे मार्क के फेरी में गेल जो डिस्टिंक्शन ही लड़की के नहीं लेके क्लास में टॉप किया नहीं करी है। गार्जियन के कोशिश रही थी जो बच्चा क्लास में हमारे टॉप किया नहीं करी है, लेकिन वही बच्चा पर वो गार्जियन कतेक समय दी गार्जियन उपस्थित रहते तो और बेसी बात कहती। लेकिन हमारा वही है 21वीं शताब्दी में बच्चा पहल का बच्चा और अखनी के बच्चा में फर्क है। पहल के बच्चा के एते सुविधा संपन्न व्यवस्था नहीं रहे चले। अगर हम अपने बात करी तो हम जिस समय में पढ़िए वही समय के सेवा सुविधा और अखन के सेवा सुविधा जमीन आसमान के फर्क है। बहुत आदमी बच्चा सबके विद्यार्थी से की रहे छे कह के जे हमर पिताजी बहुत गरीब है बहुत फलना हमर साथी के लड़का हमर साथी तो के पिताजी बहुत धनी के उनका पास में काफी पैसा है तब न ऊपर का गाड़ी बढ़े छे। हमरा लग तो पैसा जे रहते हमहू जैसे वही हिसाब से गाड़ी बैठतिए ई मन में बहुत विद्यार्थी सब रहे छे सोचे ई सही है सही है। लेकिन यहां से सोचे छी बात पैसा रुकावट बुझात रही है पूरा मैदान खाली है विद्यार्थी भाई बहन सब पूरा मैदान खाली यहां के अगाड़ी बढ़ के ले। अगर एकाग्रता लगा अभ्यास के साथ यहां अगाड़ी बढ़वे पूरा मैदान यहां के खाली है यहां के कंपिटिटर यहां के क्यों नहीं होते हम देख रहे थे यहां पूरा मैदान आगे खाली है। अगर मोनास्टिक के ये हॉल में उपस्थित भेल विद्यार्थी अगर ठान ले जे हमरा जीवन में अगाड़ी बढ़ के है पूरा मैदान आगे खाली है। अहाँ कभी जो मैदान केना खाली कहे छी पूरा पैक है हरेक जगह हमरा कंपटीशन लड़े पड़े अहाँ सबसे वो भी कहे धीरू भाई अंबानी के नाम सुनने छी दुनिया के सबसे गरीब आदमी छथिन ने हाँ 10 धनिक में से एक धनिक ऊपर है वो कौन काम करे वो बस बच्चा सब आवाज आए बिजली पेट्रोल पंप वो यमन देश में पेट्रोल पंप में काम करे और वो काम करे और पार्ट टाइम से वो काम करे वो मात्र 6 घंटा सोते 4 से 5 माने 5 से 6 घंटा मात्र वो सोते जनरली और तेकर बाद एक्स्ट्रा फिर वो काम करे और जे पेट्रोल पंप में यमन देश में वो काम करे तते वो ठान लेल के जे हमरा मालिक बन के हमरा नौकर नहीं बन के। और सौभाग्य देखियो जो रिलायंस सोकर जीवन आके शुरू भेले और तेकर बाद वो सीधे अगाड़ी बढ़ गए। अब बहुत आदमी हम शुरू में कहलिए जे कोशिश खाली करे के चाहिए थॉमस अल्वा एडिसन के नाम यहां से सुनने होंगे लाइट बल्ब के वो आविष्कार के लिए कितने बेरू फेल भेले 999 बेरू फेल भेले 999 बेर वो फेल भेले वो लाइट बल्ब के आविष्कार करे में ऐसा मंत्र लोग 2 से 3 बेर में लोग टूट जाए छे 2 से 3 बेर में अगर जे कोनो मिशन शुरू कर रख और वो फेल भेल तो वो टूट गेल टीचर का लगे तुमसे नहीं होगा गार्जियनों का लगे झूठे के ही परेशान हुई है। लेकिन 999 बेर फेल भेल थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बेर वे की वेले और वो एहन चीज निकाल दिल गए जे अखन अबते पहले हम सोनू बाबू के कहली कि लाइट केहन है पर लाइट अहाँ के जे लगाबे में कनिकाल समय लागल
दोसर बात जे असफलता से किनको नहीं घबराई। फोर्ड के नाम अहाँ के सुनने होंगे, फोर्ड मोटर के नाम सुनने होंगे, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वो कंपनी है फोर्ड। और ओकर जे मालिक रहे हेनरी हेनरी फोर्ड, वो अहाँ के पांच टा बिजनेस ओकर फेल रहे भ गए, वो बिजनेस शुरू करे और फेल भ जाए, लेकिन वो घबराएले नहीं, वो वहां के जैसे कंटिन्यू वहां के शुरू कल के। ते दुआरे हम सब अगर कोनो एक्सपेरिमेंट करे छी, एक्सपेरिमेंट हां के हम सब कंटिन्यू करी, और हरेक असफलता में सफलता रही छी छुपल। कोनो एक्सपेरिमेंट हम सब करी थो साइंस के विद्यार्थी सब, या और भी कोनो एक्सपेरिमेंट करी थो, ते देखे थो जे असफलता में सफलता आगे रही छी छुपल, लेकिन हम सब सीधे सफलता के फेरी में जाए चाहे थी। सफलता कोनो बड़का चीज नहीं है, सफलता जीवन में कोनो बड़का चीज नहीं है। यहां सब कभी जे कहे छथिन जे सफलता कोनो बड़का चीज नहीं है, सफलता कोनो चीज है बड़का, सफलता कोनो बड़का चीज है बिल्कुल नहीं। अगर सफलता में असंतुष्टि कर ले छी तो चोर जे है चोरी करे में से सफल भाई छी नहीं। चोर कहे जाए हम सक्सेस मिली फलना दुकान में चोरी करे के, डाकू जे है कतो जगह डकैती करे से वो कहे जे हमर सक्सेस मिली, और अहा कहे जे हम परीक्षा में पास भकर सक्सेस मिली। अहा के सक्सेस जते महत है ओतबे महत है चोर के और डकैत के, कारण वो अपना प्रोफेशन से जुड़ल है। पॉकेट मारो सक्सेस भाई जी पॉकेट मारल जे, तै दुआरे हम कहब अहा सब के जे सक्सेस के फेरी में नहीं जाए के, एक्सीलेंस के फेरी में जाओ, कामयाबी के फेरी में जाओ। अगर अहां मात्र सक्सेस के फेरी में रहबे तहां सीमित भ जाए। ठीक छै, यहां सक्सेस एहि दुआरे कर लिए यहां 9 में छी, यहां 10 में चली गेली, 9 में से सक्सेस होके कथी में गेली 10 में गेली, बस नहीं। सक्सेस सक्सेसफुल भकर अहां अपने आप के संतुष्टि नहीं हो, अगर वही में अहां संतुष्टि जे भ गेली जे हम सक्सेस छी हम वही में आप संतुष्टि भ गेली, तब फिर अहां के अगिल का पड़ाव अहां के पार कर नहीं। अगर अहां सफलता के हाथ में है, हरेक आदमी के हाथ में, हरेक मनुष्य के हाथ में अहां के जैसे सफलता हाथ में रहे छी, बस कोशिश करे के रहे छी। अहां जे प्लान बनेबे ग्रेट आइडिया के प्लान बनाओ। उदाहरण के लेल गंगा सागर सफाई जगह चर्चा सुन बाबू के लगा, गंगा सागर डंपिंग साइट रहे और हम जे है से सोचल पिए जे अभी ये हम सफाई करे छी एमे सफल होइब कि नहीं होइब, तब होइ छै कोशिश करे। आज जे कोशिश करबे त सफल आहा के, जब गंगा सागर सफल होते फिर धनु सागर में मिशन शुरू होते, धुनसा धाम में मिशन शुरू होते, ई प्लान वे में जाए पड़ते। अगर हम एक का सक्सेस पर मात्र संतुष्टि भ गेली त हम जीवन में कहियो अगाड़ी आ के नहीं बढ़। और समय अहां लगते है, समय बहुत कम है, लेकिन हम सब की होय छे समय जोड़े छे जे जनरल मनुष्य के सरदर आयु कै वर्ष होय छे सरदर, अखन WHO जोड़ने छे सरदर नेपाल के कंटेस्ट में 60 वर्ष जोड़ने छे, जनरली बोलू 60 वर्ष मनुष्य पहुंचे छे, कहां जोड़बे हमरा 60 वर्ष समय है, हमरा 60 वर्ष समय है, हमारा 60 वर्ष समय है, कत्ते वर्ष समय है, एक बेर सोच लिए जीरो, कत्ते समय है, एक दिन में 24 घंटा तो होय छे, 24 घंटा में क्या घंटा सुती छी, अनिवार्य है 6-7 घंटा के सुती के, बच्चा छी त 8 घंटा से सुत सके छी, 6-7 घंटा सुती छी, खानाई में समय लगे होते, स्नान करे में लगे होते समय, ब्रश करे में लगे होते, नित्य दिन जे जे क्रिया होय छे अनिवार्य ओ करे में समय लगे छे, ता पास में समय कते रह गेल। लेकिन हम सब की होय छे जनरली जोत लेली कम से कम केहनो हालत में रहते त 60 वर्ष तक बाचम छे। दुनिया में 80% लोग एहन होय छे जे पैदा होय छे आ
बिना उद्देश्य के साथ जय सियाराम भाई जी माने वो पैदा हुई छे 80% लोग लेकिन दुनिया में वो आए और सीधे स्वर्ग लोग या नर्क लोग के रास्ता में चल गए छे। 20% लोग मात्र है संसार में जे प्लान वे में जी छे जे अपन समय के महत्व बुझे छे और वो टारगेट रोड माइंड लगा गाड़ी बने छे 20% 20% हम संसार में कर लिया नेपाल में फिर 20% नहीं है नेपाल में फिर कभी तो 20% लोग ना है। दोसर में जंग के अगर बात करी तो चिड़ै के सेहो देखे तो भी बच्चा के पालन पोषण करी छे सब गोटे देखने छी चिड़ै के वो बच्चा जे रहै छी खोता में और आहारा लगे जाय छी तो चौ चौ मुंह रहै छी चियारे ओकरा लोल लगे चोच लगे की करै छे ई दृश्य देखने छी सब जीव जंतु के देखने होबे कतेक लगाव रहे छे ते के बाद में वो की करे छे ई बात आ सके कहना हमरा जरूरी ते द्वारे कर लिए गंभीरता पूर्वक सुनबे वो चिड़ै की करे छे अपन बच्चा के जब पाक भ जाय छे तो ओकरा उघराबे के प्रैक्टिस करे छे ओई ठाई हे पर ओकर माय बाप जे होई छे ते चिड़ै के बच्चा के तो ओकरा उड़ाबे के कोशिश करे छे लोल लक मार के ओकरा खोता में से निकाले छे तो देखे तो होई जे ए ठार पर से वही गाछ पर ए ठार पर से वही ठार पर उड़े जी कूदे मैथिली तक भाषा तक पूछे में कोई दिक्कत नहीं होती किनको तो ए ठार पर से वही ठार पर उड़े रहे छे 3 दिन 4 दिन ओकरा ठाइरे पर मात्र उड़े छे माने वही गाछ पर उड़े दूसरा गाछ पर जाते तो फिर ओकरा खोता में आवे में की होते समस्या होते वो प्रैक्टिस करबे छे और तेकर बाद ए गाछ पर से वही गाछ पर जब उड़े लगे छे ओकर गार्जियन ओकरा फिर केयर नहीं करे तेकर बाद में वो अपन दुनिया में उड़ लगे तो तै द्वारे जब चिड़ै अई हिसाब से उड़ सके अपन दुनिया में वो बड़का उड़ान भर सके या चिड़ै के उड़ान 1000 किलोमीटर पर दिन में हुई थी बहुत चिड़ै सब के देखे तो भाई जो गंगा सागर में या धनु सागर में या जनकपुर के और रत्न सागर सब में साइबेरियन चिड़ै सब अबै छै साइबेरिया से उड़ान भरकर आयल से मछली खा कर तब उसे फिर साइबेरिया जाए छे 1000 किलोमीटर उड़े छे तो आहां सब कई द्वारा ये बात कर ली है जे आहां सब के उमेर आप वही हिसाब से आगाड़ी करीब करीब बढ़ गए और आफ्टर मैट्रिक एसएलसी आप अगर नाम परिवर्तन हो गया तो तेकर बाद अपन आहां सब के वही हिसाब से उड़ पड़त लेकिन अहा हर एक चीज के फिर हां कह जबे हर एक चीज में तो अहा यस कह जबे तो जीवन में फिर कहियो गारी नहीं हर एक चीज के यस कह के जरूरी नहीं है हर एक चीज के यस कह के जरूरी ना है और हर एक चीज के यहां के नो कह के जरूरी नहीं है कोई कह के यहां के जैसे अखन दिन है अखन रात है डोरे फिर ओकरा कह देबे अहाँ के यस या हाँ कह देबे बिल्कुल नहीं यस कह के आ नहीं नो कह अहाँ के सोच समझ कर हर एक चीज के जवाब देवे पड़त दोसर में भगवान एकटा मुंह देने हैं दूटा कान देने हैं दूटा आँख देने हैं दूटा हाथ देने दूटा पैर देने एकटा हाथ केला नहीं देने एकटा पैर केला नहीं देने एक टाइम केला नहीं देने मुंह एक ही टा केला देने केला दूटा मुंह नहीं देने एक बार हमसे सोच लिए बात पर एक के जब बच्चा मात्र बजे है एक के जब ये थी बाज रहा है क्या देने का उधर वो बुआ तो जवाब दे दो सर तेरे का उधर एक बुर का उधर हाथ देने ये लगी कि हम सब कर्म कर सकी दुनिया के लगी कुछ दूटा देने ही हुआ रे ने मुंह एक बेटा किया देने मुंह एक बेटा ये लगी दे ले कि हम सब बोली कम करी ज्यादा बोली कम आ करी ज्यादा वेरी गुड सब बड़े ताली बजा दी वास्तव में आई पर हम सब विचार नहीं करी थी और हम सब जखन जे बाजे लगे छिए तो बजते बजते जेहो ने बाजे के चाहिए सो बजे लेकिन जखन कर्म करके बात होइ छे
जखन कर्म तरह के बात होइ छै तखन हम सब पछारी हो जाइ छी। हम सब अगर संस्कार के बात होइ छै त हम सब पछारी हो जाइ छी। विद्यार्थी सब कहलक जे ई स्कूल बढ़िया न है, टीचर सब बढ़िया नहीं पढ़ाबै छै। लेकिन हम सब के हम आज से कह चाहे छी, एकलव्य के नाम सुनने छिए, रामायण के खिलाड़ी की महाभारत के महाभारत के सदी में एकलव्य के गुरु से भेंट नहीं मिले। वो गुरु ला जखन पढ़ा के ले द्रोणाचार्य कहल के ये तो ब्राह्मण नहीं छे, ब्राह्मण कुल के नहीं छे, तैं हम तोरा इतिहास कहे छे जे तोरा हम आई में आई आई में आई गुरुकुल में नहीं रखा है। तो वो की कहलखिन आके एकलव्य गुरु द्रोण के प्रतिमा बनाकर वो जंगल में शास्त्र और शस्त्र दोनों सीखा लगा और वो ऐसे रूप से सीखा लगीन कि जत्ते विद्या अर्जुन द्रोणाचार्य के सानिध्य रहकर सीखा लगीन तत्ते को केवल मूर्ति बनाकर सीख ले लगीन। और एक समय रहे जखन गुरु द्रोण अर्जुन के साथ जंगल में निकल ले तो गुरु द्रोण के देख का कुत्ता भुकले, कुत्ता जे भुकले अर्जुन के कहल के अर्जुन जेकर कुत्ता जे भूख रहा है एकरा कनी भुकनाई तो बंद करा। गुरु द्रोण आ के चेक करा चाल के तो अर्जुन आ के अटमका गेले। एकलव्य आ के एकलव्य एहन बांध चलेल के जे कुत्ता घायल नहीं भेले लेकिन कुत्ता भुकनाई बंद कर देल के। तब आ के उतर के घोड़ा पर से उतर के द्रोण बालक के बजल के ई तो कहाँ सीखले है, ई विद्या कहाँ सीखले। तब कहे छे वहीं से सीख ली विद्या। उनका आश्चर्य लगले हम तो तोरा सिखेबे नहीं कहनी छी विद्या, ई विद्या तो हम अर्जुनो के नहीं सीखेली अखनी देखले, ई विद्या सिखाबे के तो हमरा बाकी है। तब वो लगले गुरु द्रोण के प्रतिमा बनाकर आ वो जो सीखत रहे शास्त्र वो देखा देलके। ते दुआरे हम कहब जे गुरु में हमेशा विद्यार्थी सब के गुरु द्रोण देखे के चाहिए, गुरु विश्वामित्र देखे के चाहिए, गुरु वशिष्ठ देखे के चाहिए। गुरु वशिष्ठ के कारण से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने, नहीं तो वो रामे रहते, वो वहां के रामे रहते। जरा हम राम वशिष्ठ छी नहीं तो यह नहीं रहते यहाँ के, वो रामे रहते। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मिले गुरु वशिष्ठ के कारण से, गुरु विश्वामित्र के कारण से। तैनाते अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधर किनका कारण से मिले। तो हम कहब विद्यार्थी भाई बहन सबके जे गुरु में हमेशा वो रूप देखी, हमेशा वो गुरु में वो रूप देखी, अखन तो ओहन गुरु अछि। लेकिन हम सब जैसे विद्यार्थी सब ये अखन भौतिकवादी युग में एक चीज के विश्वास नहीं करे, अहां के विश्वास नहीं होत, हम पहले तो कर लिया आहा क्या आहा अभ्यास नहीं करबे, आहा एकाग्रता नहीं हो, आहा कहियो सफल नहीं होबे। डोरी और सीमेंट पक्का जे होय छे ओमे कोन मजबूत होई कहल जाते, सीमेंट मजबूत होय छे, कंक्रीट मजबूत होय छे। लेकिन आहा सब इनार पर देखने छी पानी भरे डोरी से जे पानी जे निकालत रहै छी डोरी लगे बाल्टी लगे तान के पक्का खिया गेल रहै छी, ओ सॉफ्ट सॉफ्ट होइ छै डोरी। लेकिन डोरी सॉफ्ट होइ त ओ पक्का पर घसैत जे से घसाइत घसाइत ओ पक्का रहै छै खिया गेल। ओ एक मतलब की बुझलिए, अभ्यास, अभ्यास में बहुत बड़ा के शक्ति है। लेकिन हम सब अभ्यास नहीं करब ते दुआरे गुरु में हम सब हमेशा वह रूप देखी। अहा टीचर ल टीचर के वही हिसाब से बिहेव करबे तो टीचर अहा के मजबूर भ जात अहा के सिखाबत के। बहुतो एहन टीचर होइ छै जे मोनास्टिक में क्लास लेलक और दोसरो स्कूल में क्लास लेलक, लेकिन विद्यार्थी में क्षमता रहै छै जे ओ टीचर से मोनास्टिक के विद्यार्थी में ओ क्षमता होबे के चाही। हमरा विचार से है जे बेसी से बेसी टीचर के ज्ञान हम एते सीख ली, ई क्षमता विद्यार्थी में होबे के चाही। जेना एकलव्य जै रूप से अहाँ के ज्ञान प्राप्त कर, और ये चीज हम शुरू में कर लिए जे कनिको कठिन नहीं,
लेकिन सब दिन अहां चाहबी जे सब चीज हम आइए प्राप्त कर ली तो फिर कठिन घैला कहां से सब गोटे देखने छे घैला में लमसम 100 से बेसी छेद है और वही घैला में पानी भरक है घैला में 100 से बेसी छेद है और वही घैला में पानी भरक है वही में जो पानी रखबे तो पानी बाहर नहीं निकले की उपाय हो सके कौन विधि यहां से अपने हाँ कहो एक से बेसी छेद है घैला से की उपाय हो सके बोले पत्थर धके तब पानी रखे थे कथी धर दो पत्थर पत्थर धका पानी रखते नहीं वेरी गुड किला में आके अमन यादव अमन बैठो और कोई की उपाय हो सके है करा कर ये प्लास्टिक से चारों कतारी से बाइंग ले भी ताकि वहीं से पानी लीकेज नहीं देखो दूसरे उपाय लाएंगे प्लास्टिक वाला एक का पत्थर वाला लग लिए दूसरा प्लास्टिक वाला बैठ हुआ और इसमें जवाब देवो में जो है ने देखो की भाई से कहो कि एक और भजे ठीक है जना हम खाली बजे छी ने आ तो सब ने बजे बहुत है एक तरफ ही भजे थे ते दुआरे बीच में दोनों के बात आना बहुत जरूरी की भाषा के कहो का दिमाग लगाओ के ने की भाषा की है देखियो दूसरा उपाय चले लीजिए सीमेंट से छेद के भेट पड़े तेसर उपाय चले लीजिए बैठो चार उपाय की भाषा की है मोम से हो मोम से हो बंद करी छे यहां के पांचम उपाय भ गेलै आप कहो आप उपाय नहीं बुझाइए माने एहन उपाय करबे जे घैला में से पानी नहीं निकलते आ छेद के बंदो नहीं कर पड़ते की भ सके अरे क्यों नजीक लग लिया अरे छेद के बंदो नहीं कर पड़ते पानी नहीं निकलते की भ सके डुबा देवे तो पानी निकलते लेकिन हम सब की हो दिमाग हमारे कत चल गए घैला में पानी राख के है और पानी नीचा नीचा नहीं गिरे दिमाग कहीं एंगल सब जाए बस एग्जैक्टली जीवन में आगारी बढ़ा के लिए हम सब एहने आसान रास्ता देखे जी जीवन में आगारी बढ़ा के लिए सबके आसान रास्ता चाहिए नया रास्ता बनाबे की कोशिश नहीं करे छे हमर टारगेट है हमर उद्देश्य है आई के इस सेमिनार के जहां सब नया रास्ता बनाओ और अहां जे रास्ता बनेबे वही रास्ता पर सब चले तब ना वेली ग्रोड माइंड नहीं तो हाँ 80% जगह हो गई नहीं 80% में रह चाहिए थी कि 20% में रह चाहिए थी तो 20% में रह चाहिए थी ना कि नया रास्ता बना पर आगे नया प्रयोग साबित कर पर छोटका बच्चा सब में देखे तो वे जो बालू के घर रहती बना भी बालू के घर बना के ओकरा फिर घर के तोरे छिया पड़ा उ सब अपने में बतिया लै छै जे बात अपना सब नहीं पूछबे बच्चा सब ओहु से बच्चा चली हमहु बच्चा चली याद करियो तो वही समय में बहुत बात है कि फ्राइट रहे छै जे वैज्ञानिक रहे छै सब वैज्ञानिक रहे छै न्यूटन के तीनटा वर्ड तीनटा लेटर व्हाई ओकरा मन में नहीं आते तो वैज्ञानिक नहीं बनते यहां वो देखल के यहाँ के सेव के गास पर से नीचा गिरे तू घर के यहाँ के जी ऊपर के लाने के लिए नीचा किया के तो दिमाग में आके जैसे तो वाई डब्ल्यू एच वाई ये तीन टा अक्षर जो है मजबूर कर दल के न्यूटन के वैज्ञानिक बना को और वो यहाँ वैज्ञानिक बन ले गैलीलियो के नाम सुनने चाहिए वो कहल के पृथ्वी घूमे से तो ओकरा शासक की कहल के बुझ लिए जेल में बंद कर दे बाकी पागल भागल बन जाए
तई दुआरे हम आ सके कहो हमरो कारण रे लोग पारम हो गए गंगा सागर से शुरू के लिए सफाई तो लोग कहे जी पत्रकार सने के लिए कि एकरा होते ही बड़का सागर कहीं सफाई होते लेकिन हम की करी यहां के हमर एक आदत की है खराब चीज नहीं सुनी छी और दूसरा आदत की है वो आदत हम सब लगा लिए दो भाई रहे दोनों भाई नदी के किनारे में गेले नदी के किनारे में जाकर छोटका भाई नदी में जाकर तैरा लगली तो बड़का भाई ऊपर एक थप्पड़ मारल के कर के चल नदी में जाई से डूब जाए तब की हते तो वहां के रेत जे होई छे रेत तो बुझी धार बालू के बाऊ किस ने बदली छोटका भाई बालू पर लिखल के जे हमरा बड़का भैया पिट लगा एक थप्पड़ पिट लगा बालू पर लिखल के रेत पर जे बड़का भैया हमरा एक थप्पड़ पिट लगा बड़का भैया के नजर पर ले जे ओकरा पिटने रहे बालू के रेत पर कथी कथी लिखल की भाई हमर मन में जे छे कि बेकार हम पिट देली फिर दोसर दिन दोनों भाई गेले नदी के किनार में छोटका भाई के आदत रहै छे जे बड़का भाई हबे करे त हमरा कथी के चिंता है वो जाग फिर नदी में जैसे लगली स्नान कर आ सांचो के जैसे उ डूबल तो जेठका भाई की गेलके दौड़ के जाकर फिर ओकरा ओहिमे से बचा के लेलके बचा के लगल आ जब ऊपर केलके तब फिर छोटका भाई आके लिखल के पत्थर जे बड़का भाई हमरा बचा लगल पत्थर पर कथी लिखल के बड़का भाई हमरा बचा लगल ओहो देखल के लिखे जोकर भैया तो ओकरा पूछल के अरे तू काल जे एक थप्पड़ मार लिए तो तोर बालू पर लिखने चले है जे बड़का भैया हमरा एक थप्पड़ मार लग आ आई हम तोरा बचे लिए हो तो तू पत्थर पर लिखले है जे बड़का भैया हमरा बचा लग तो जवाब दे के छोटका भाई जे भाई जी बात की है जे काल जे हमरा एक थप्पड़ मार ली तो दुख रहे हमरा लग एक थप्पड़ हमरा मार देली हमरा बड़ा दुख लाग ते दुआरे दुख के जे से बालू पर लिख दी बिसेर जाए दुख के पास्ट में हमने जी बहुत आदमी का आता है कि पास्ट में जिया के जे दुख के हम बालू पर लिख ली जे तुरंत मिटा देते और अहां जे बचेली है ई तो सुख है ने ई चीज के हमरा याद रख के ते दुआरे हम पत्थर पर लिख लिया कि लंबा समय तक ल रहे ते दुआरे ई आदत जैसे हमेशा अहां सब लगा ली ई आदत जे लगाए तो जीवन में अहां सब जैसे पॉजिटिव वे की तरफ अगाड़ी बढ़ब अहां के क्लास में भी शिकायत करब अहां के साथी सब कोनो लेकिन हम नहीं सुनू ई बात के क्लासों में जे कोनो रोबोट बना ले छी क्लास में तो ओकरा सब वैज्ञानिक के करे छी होची अबे साइंस के बच्चा सब साइंस के पहले तो रोबोट जे बनबे छले तो गार्जियन सब मार लग जाय था बरे तो साइंटिस्ट बनबे तोरा हम के जी डॉक्टर बने के डॉक्टर बन तोरा हम के जी इंजीनियर बने के इंजीनियर बन ओकर भीतर जे काबिलियत जे रहे छे उ आगे अगाड़ी नहीं आवे छे और अहां सब डॉक्टर इंजीनियर आज पढ़ाई के हैं नहीं आगे अखन के पढ़ाई जे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के हैं नहीं बोर्डिंग स्कूल के जे बच्चा सब के नौकर बनावे के शिक्षा दे छे मालिक बनावे के नहीं दे बच्चा के केहन पढ़वे छे अखन नौकर बनावे के शिक्षा नौकर के मतलब अहां सब सीधे बुझ गेले घड़ैया नौकर बुझ गेले नौकर के मतलब सरकार के नौकर नौकर तो नौकरे ना होइ छै और मालिक तो मालिक होइ छै ने अहां सब के एजुकेशन मालिक बने के चाहिए जे धीरूभाई अंबानी के मन में आ जे वो मन पहले बना लेबो पड़ते और ई पीरियड जहां सब के है बहुत कीमती समय है ई अखन के समय अहां सब के 14 वर्ष के एमहर के समय जे होइ छै वो बहुत कीमती होइ छै ई 14-15 वर्ष के समय के अहां सदुपयोग नहीं के लिए पढ़ाई में और जीवन के अगाड़ी बढ़े में तो एहन समय आप फिर नहीं आए जे अहां सबके स्टेमिना है वो हमारे स्टेमिना नहीं भ सके छे आप नियर 50 उम्र हमर भ गेल आप जे हम चाहबे अहां सब जगह दौड़ी अहां सब जगह रात रात उठ के पढ़ी 4 बजे भोर में वो आप नहीं हेते लेकिन तैयो हम कोशिश करै छी अगर हम एक आध घंटा नहीं पढ़ ली तो नींद नहीं होई छी आ के पढ़ाई और एजुकेशन जे है ई कहियो आगे छोड़ा वाला चीजें नहीं
ते द्वारे ये बहुत कीमती यहाँ से कुछ समय है और इस समय के पूरा से पूरा यहाँ सब जैसे सदुपयोग कर आप हमारा भैया एजुकेशन के बारे में अपने सब जखन सर सलाह के लिए जे विचार के हम सब जैसे शेयर आदान प्रदान जे के लिए जे निश्चय ही विद्यार्थी भाई बहन सबके निक लागल तो जोरदार ताली बजा दी बस आब हम बेसी समय नहीं ले वहां सबसे 7 से 10 मिनट एक बार हमारे मित्र ग्रीनरी की बात करते थे ठीक से यहाँ से बोर तो नहीं हुई थी हम जो समय यहाँ सबके मंगले चलिए अपना ले वो समय सोनू बाबू के ले लेकिन वो समय यहाँ सबके भैया था अपना ले कि भाव के लिए अब ये नहीं भेलिए अभी अमन मुरी डोलो भी चीज नहीं भेले भाग ले चल हमारा वो है जैसे 90% भाग 10% जैसे 10-15 मिनट में भजे यहाँ सबके एजुकेशन के लाइटली हिसाब से और अभ्यास के माध्यम से आगाड़ी बढ़ाते हम इस चीज के फिर पुनः आप दोहरावने चाहे थी और हमेशा मन में मन के संतुष्टि निकल के या हमरा भाग मन के संतुष्टि यहाँ कर तो मन यहाँ के झोला थोड़ा ही है झोला में 10 किताब उठे चाहे 15 किताब उठे तो झोला पाइट जाते से है ही मन में आई में तो हाँ जते के रखवे तते काटते भाषा तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ते द्वारे ऐ चीज के जैसे एकदम हमेशा संतुष्टि होबे की कोशिश नहीं करके या हम भोग लिया आप सक्सेस भोग लिया आप हमरा दोष चीज नहीं करके ये बिल्कुल नहीं करके हमेशा क्यूरियोसिटी बढ़ावे के उत्सुकता बढ़ावे के और गुरु में वह चीज देखा के है साथी में भी फ्रेंडशिप देखा के है बहुत जगह यहाँ के की हुई साथी सबके बात अगर करी उन्हें मोनास्टिक स्कूल में बात ना है लेकिन बहुत स्कूल में की रहे यहाँ के 1 से लेकर 9 के अगर बात करी तो 9 की कहे छे जे हमरा से छोट है 8 वो 8 के एक थप्पड़ मारलक 8 की करे छे 8 देखला अपना छोट है 7 तू 7 के मारलक और 7 मारे छे 6 के 6 मारे छे 5 के 5 मारे छे 4 के 4 मारलक 3 के 3 मारलक और 2 मारलक और 1 के बाद कथी होय छे 0 तो 1 की करे छे मालूम है 1 0 के ना के देखे छे गई जी बेचारा बहुत कमजोर है तो एक अपना बगल में ले अभी छे एक के बगल में 0 चले तो की भले दे 10 आप कहो के वेली बड़का 10 वेली बड़का कि 9 वेली बड़का बुधियार के वेले एक समाज में जे प्रवृत्ति जे है यहां के दबंग आदमी जे से कमजोर आदमी के दबा दे छे ई प्रवृत्ति के थोड़ा फर्क है और स्कूल में भी यही हिसाब से प्रेम करके क्लास में प्रेम करके अपन बच्चा सबके जैसे अपन पारिवारिक सदस्य बुझा के शब्द सब जे आवे छे हम हंस तो बतियाय छी तो बुझाय जे हम सब दोसर परिवार के छी बिल्कुल नहीं याहू के नहीं चाहिए हम सब एक परिवार के छी ते द्वारे हम सब विद्यालय परिवार में छी हम सब और एक दोसर के जैसे हम सब एकटा भाई बहन जका अपन घर के सदस्य जका हम सब सहयोग करी ओई में बहुत बड़ा शक्ति है छी आ जतो असहयोग करबे ओते शक्ति होई छे समाप्त तो हम सब यही हिसाब से जैसे भाईचारा के भी प्लान करकर बना कर राखी अब हम बात करब क्लीन के एक वर्ष में कते घंटा हो 8760 घंटा हो कते हो सफाई के लिए कते निकाल चाहिए ये सब चीज हम कह लिया जते चीज अखन हम एजुकेशन पर बजली है हम अगर सफाई नहीं रहे हमरा कोर्ट में रहते घंटा लागत तहां सब लोग कहीं रुक दी थी पैंट में पैंट हमर गंदा रह गई तो की कहती है ये आदमी जैसे क्या है ये अपने फोड़ी है एक बात हमने सुना सफाई बहुत महत्व है सफाई शुरू हो चे अपना लस लेकिन हमर सब आदत की है अपना लस शुरू नहीं करे अपना गंदा कर लिया दूसर के जैसे गली गंदा कर दो सफा वो ही करते सही कि नहीं सही ये समाज में जैसी बात
सफाई भी हम सब जैसे अपना से शुरू करिए, अपना शुरू करिए, अगर प्रयोग अपन घर से शुरू करिए, अपन घर से शुरू करी। क्लास में हम सब जे क्लास में एली तो हम सब जैसे कोनो चीज खा के क्लास में फेंक देली आ कहल के स्कूल के सर सफाई नहीं करबै छथिन, ई प्यून जे है से मात्र बैठे के तलब खाय छै। ओ बेचारा एकटा प्यून और 3 से 4 हजार विद्यार्थी दूटा प्यून रहते हो कते साफ करते। लेकिन डस्टबिन राखल है, हम सब कोनो चीज फेंका वाला चीज जे है डस्टबिन में राख, डस्टबिन में राख देवे तो जगह पर चल जाते। तो सर सफाई भी हम सब शुरुआत करी अपना रस। जब हम कहली कि 1 वर्ष में 8760 घंटा हो चे, वही में सर सफाई के लिए नित्यदिन सफाई के लिए विद्यार्थी सबके समय निकाल के चाहिए। अपन डेली सफाई तो हबे कर डेली अपन जैसा सफाई के बात थी, लेकिन नित्यदिन सफाई भी निकाल के चाहिए। स्कूल के सर सफाई मिले, अपन घर के सर सफाई मिले। लेकिन हम सब की करे छी दियाबती जे होय छी दिवाली, साल में 1 वर्ष भेल तो ओही समय में जे सब गोटे पूरे घर के लोग लग लिया घर के अपन पूरा सफाई के लिए, तेकर बाद फिर सफाई नहीं के लिए, और तेकर बाद पोखरी के सफाई कखनी करे छी छठ जे करे पड़े छी। तो ओही समय में 1 वर्ष रहली सुतल, 3 से 64 दिन रहली सुतल, आ 65वां दिन में जाके छठ जे भेल ते दिन गेली पोखरी के साफ करब, आ बाकी दिन हम गंदे करे छी पोखरी में फेंकी छी। तो ते हिसाब से हम सब अपना लस शुरू करी। आई जे ई विद्यार्थी सब जे इते क्लास में है ये सब प्रण कर ले तो कैटा घर के सफाई बढ़िया से भजे थे। जनकपुर में पहले की छले जो लोग सफा कर में लोग लाज लगे छले, लेकिन से अवस्था अब है सीडियो झाड़ू पकड़े रहे छे, एसपी झाड़ू लेके पकड़े मोदी जी सन माने होनहार विश्वव्यापी रूप के प्रधानमंत्री कोनो देश में ना है। मोदी जी अपने झाड़ू पकड़ी छे नहीं पकड़ी छे आ के सोनू बाबू हमरा साथ रह छथिन गंगा सागर में विद्यार्थी लोग कहियो का हम सब चीज लग सब गोटे चल अबै छी। सुरेश जी फॉरेस्टर साहब, रायन जी फॉरेस्टर साहब, रामचंद्र जी सबैला में अकेले शुरू कर देने छे सफाई अभियान, कोई रहे नहीं रहे वो अकेले भिड़ जाए। ते दुआरे हम सब सफाई अनिवार्य के साथ जैसे अनिवार्य हमारी वर्क है, लेकिन फिर विद्यार्थी सब पढ़ाई छोड़ के मात्र सर सफाई में लागी से अपन कह के दे हां तो यो नहीं बोल जे सर कहिए खाली सर सफाई ये करू सी बोल सर सफाई के लिए भी समय निकाल के चाहिए। 8760 घंटा हम समय के लिए साल भर में साप्ताहिक कहां 1 घंटा निकाल लिए बेसिक के लिए लिखा रहा हम सब बल्कि 2 घंटा निकालो लेकिन यहां से कितना घंटा निकालो 1 घंटा सैटरडे के एक दिन 1 घंटा सफाई के नाम दे दिया। जत छी घरे छी घरे सफाई, स्कूल में छी हॉस्टल में रहै छी हॉस्टल के सफाई देख ली वहां के। जब यहां सफाई शुरू करबे तो सोनू बाबू सेन के स्पेशल कोनो चीज जहां के कर दे। अगर हां सब सर सफाई शुरू कर देबे तो सेन के वो 1 घंटा के और कोनो स्पेशल कर दे जे स्पेशल आई क्लास है। येने टाइप के कोनो खानपीन वाला भी कहते विद्यार्थी सब के कोनो नहीं हते तो कोनो आके प्रोजेक्टर पर कोनो बढ़िया फिल्म भी आगे सबके दिखा सके है जे फिल्म से जीवन में परिवर्तन हुए। 3 इडियट सब है दंगल है लेकिन 3 इडियट फिल्म के आमिर खान के एक का डायलॉग है। 3 इडियट में एक का डायलॉग आमिर खान ने की से कहो तो आप भागना चाहिए एक्सीलेंस के पीछे करो। पूरे फिल्म के कंक्लूजन हुए सक्सेस के पीछे मत भागो। सक्सेस तो पॉकेट मार भी हो जाता है, पॉकेट मारी करने में चोर भी होता है, चोरी करने में डकैत भी होता है, डकैती करने में एक्सीलेंस के पीछे एक्सीलेंस में उसमें शक्ति होता है। तो हमरा भी है जैसे मोनास्ट्री के बच्चा सब आई भाई बहन से जैसे कमजोर नहीं से आई सेमिनार में हमरा बुझाइला और हमरा जैसे का गर्व महसूस भेला ये जई हिसाब से एक होरो नहीं भेले। एक होरो का मतलब की भेले टीचर क्लास में पढ़ावे या विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते सुत जाए क्लास में पूछे ये क्या समझा तेहन टाइप के नहीं। टीचर जे क्लास में पढ़ावे तो टीचर के बीच बीच में अगर टीचर एक होरो करे के प्रयास भी करे तो बीच में एहन क्वेश्चन कर दी जे टीचर सेंट्रलाइज
क्या हम पहले तो करिए कि टीचर सब बहुत बेस्ट रहे एनरो क्लास लेवे पड़े एनरो क्लास लेवे पड़े और टीचर प्रोफेशन टीचर टीचर रह जाए शिक्षक जे है आप तो पहले तो करिकवा बोर्ड रहे चले आप तो व्हाइट बोर्ड चले रही ना तो करिकवा ब्लैक बोर्ड जे है विद्यार्थी के करिकवा ब्लैक बोर्ड भविष्य के उज्जवल बना दे चले करिकवे ब्लैक बोर्ड लेकिन सुनो वो अपने में तो व्हाइट बोर्ड चले रही ना यार बहुत जगह व्हाइट बोर्ड है यार नहीं होते चले तो चले चले आगे ले हो के नाम पर ताली बजा दिए कि हम सब तो हिसाब से बात करें सर सफाई के हम सब जे सर सफाई से घृणा नहीं करें बाथरूम के सफाई एक का समय छले है जे बाथरूम लोग कत बनाबे छले फटकी में घर के बलो अपन जो जमीन जे हो बाड़ी सब से कोण में बना दे वो ये जाई के लेल भी काट कोस रहे छले कोई गेल कोई नहीं गेल घर के मेन मेन गार्जियन गेल धियापुता सब बाहर एक समय छले अइ दुआरे जे हम अपने याद करै छी आके गांव में हम रहल छी एकदम कात में टॉयलेट बनल छलिए वही टॉयलेट के कत हम ले ली बीच में और आप वो टॉयलेट कत चले ले बेडरूम में आप वो टॉयलेट कहाँ चले ले टॉयलेट इतिक साफ होबा के चाहिए जे टॉयलेट बुझेबे नहीं करे बहुत जगह आप यहाँ टॉयलेट ले नया किस्म के जे बाहर के आदमी जाते तो टॉयलेट बुझबे नहीं करते वो पैक रहे स्विच ऑन करब तब मात्र में सब चीज खुलत रूम में प्रवेश करवे वो हर एक चीज क्लोज है गेट में जाओ वहां स्विच ऑन करिए तब अगर सीट सब खुलत नहीं तो आगे सब पैक स्विच ऑन फिर करियो वॉश वाले थे एक किस्म के टॉयलेट चले टॉयलेट पर इतने अपने के वर्क कैला की भेजे विश्वव्यापी रूप में जे देश में बाहर खुला दिशा पिशाब करे छे वही जगह के विकास कहियो नहीं होय छे ओकर 90% पैसा स्वास्थ्य में खर्चा भ जाय छे हम सब कंगो के बात करी इथोपिया के बात करी हर्षवर्धन के बात करी अफगानिस्तान के बात करी या बांग्लादेश के बात करी या पाकिस्तान के बात करी या नेपाल के बात करी या भारतों के बात करी कोई देश के विकास जीडीपी बहुत नीचा रही छे और वो देश कहियो तरक्की नहीं करे छे ते तई हिसाब से ओना खुला क्षेत्र में दिशा पिशाब तो अहाँ सब पक्के नहीं जाए हुए लेकिन अहाँ सब दोसर जगह जाए गांव में कहीं कल जाए ई मैसेज देव के बच्चा सब के और अपना अपन अपन अनुभव के भी शेयर कर के और अहाँ अपना कहूँ तो ही नहीं बुझे के जे जे हम देखते स्कूले बालिका छी हमरा कतेक बुद्धि हो हम पहले तो कर लिया अष्टावक्र के उम्र कते रही मालूम है 12 वर्ष नाम सुनने छे अष्टावक्र के ये सले अष्टावक्र जनक जी के गुरु जनक जी के गुरु की नाम है बुआ आगे प्रकाश हाँ प्रकाश प्रकाश देखिए ताली बजा दी 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र अष्टावक्र किला वैली से कहूँ आठ टांग ऊपर क्या किला वैली से कहूँ नहीं तो बहुत ट्राई हो गया हमारा यही जवाब बहुत सियान नहीं दे सके अष्टावक्र पेट में रहे मैं के पेट में रहे और मैं के पेट में रहला के बाद में उनकर पंडित उनकर पिताजी बहुत बड़का पंडित रहे कोहड़ नाम रहे और उनकर मैं के नाम रहे सुजाता पंडित रहतीन मैं पंडिताइन कहे उनका तो दोनों गोटे उच्चारण करे वो पंडित जैसे पंडित सबके तो घमंड रहे ना अपना ज्ञान पर जो हमारा ऐसे विद्वान क्यों नहीं है तो उनकर पिताजी बहुत बड़ा पंडित रहतीन अष्टावक्र के तो एक शब्द के जो उच्चारण जो केल के जो उच्चारण उनकर जे छे माने अमेरिकन इंग्लिश नहीं भगा ब्रिटिश इंग्लिश भगा संस्कृत जो उच्चारण उनकर रहे जना अमेरिकन ब्रिटिश नहीं कखन तो कर भजाई छे अपना सब कली काठमांडू विदेशी कला काठमांडू ठीक है तो इस शब्द के उच्चारण संस्कृत में यह मिले जो वो गलती उच्चारण के अष्टावक्र अपन माँ के आवाज में पेटे में से कहलखिन जे पिताजी यहाँ एतेक बड़का पंडित छी लेकिन यहाँ के शब्द संस्कृत के उच्चारण सही नहीं है तो लोग यहाँ के हंसत और कहते जी मिथिला के पंडित एतेक बड़का
विद्वान अतिनकर उच्चारण अहा के गलत भूलू कहाँ पर ततेक पिता रहे अष्टावक्र के पिताजी तो कल के तो पेटे में से हमरा से मुंह लगबे छे तो अखन माय के गर्भ में छे तो हमरा से मुंह लगबे छे तो तू जब हमरा तू पृथ्वी पर है तो हमरा को यही गिनती है निकल गए अभी तो हमरा जैसे मुंह लगबे छे पिताजी उनका श्राप दे अष्टावक्र के कि जो तू अष्टावक्र भजो लेकिन अष्टावक्र तो भेले आठ जगह उठे बाकुल भगत जन्म भेले लेकिन वे अष्टावक्र जनक महाराज जे ज्ञान के खोजी में रहे तो वह अष्टावक्र जे है जनक महाराज एक मीटिंग के लिए शास्त्र सीख के लिए जे अई में से जे सबसे निक पंडित होते तेकरा हम गुरु बनाए ओकरा से हम ज्ञान सीख तो अष्टावक्र जैसे एनाहिते शास्त्र होते रहे भीतरी गेट पड़े तो द्वारपाल अहाँ के रोक दिल के कल की बारह वर्ष के बच्चा आई लड़ाई बुदलाइल के भीतर पंडित सब छथिन तो कला जाए तो और कोई काम नहीं हो तो कल की जे हमरे काम ही बोलू केस पकला से लोग बोलू विद्वान भाई जी से बात नहीं जवाब रहती देने बारह वर्ष के बालक जे केस पकला से लोग विद्वान भाई जाए और बहुत बड़का ज्ञानी भाई जी से बात नहीं छे गेट पर जे बैले तो सब पंडित जे है से शास्त्र छोड़कर बच्चा के देख कर हंसल के अष्टावक्र के देख कर तब अष्टावक्र जे है से उनकर सबके हंसनाई भ गेली बंद अष्टावक्र अकेले हंसल तब जनक महाराज अष्टावक्र के पूछल के जनक महाराज से तेज रहती जनक महाराज अष्टावक्र के कहल के हे बालक जे ई पंडित सब जे तोरा पर जे हंसलो से हम बुझ गेली ये तोरा देखल को धिया पुता लेराई भूत लाइल ऐ में कौन काम लेकिन तू इनका सब कल हंसल जनक महाराज कहलखिन अष्टावक्र के कि तू बउआ इनका सब कल हंसल अष्टावक्र कहल के जे महाराज हम पंडित सब पर नहीं हंसली हम तो अहाँ पर हंसली जनक महाराज फिर अहाँ के आश्चर्यचकित भ गेली हम तो कल तो ओकरा सब हंसला तो हमरा पकला हंसला तब अष्टावक्र कहल के हम अहाँ पर एहि दुआरे हंसली है जे अहाँ सन विद्वान राजा ई चमड़ी के व्यापारी से ज्ञान सीखी छी सब पंडित ना है चमड़ी के व्यापारी है चमड़ी के व्यापारी के मतलब अब्दुल कलाम के नाम सुनने हो आप हमारा गाड़ी नहीं कह पड़ती भैया यहाँ चमड़ी के व्यापारी हम सब रंग रूप से लोग के बुझ जाए छे ये आदमी विद्वता नहीं है तो तू होन के कहे छी चमड़ी के व्यापारी जे ई सब हमर रंग देख हंसल ते दुआरे कहली चमड़ी के व्यापारी केला कहल ई सब हमर रंग देख हंसल हमर रूप देख हंसल ते दुआरे चमड़ी के व्यापारी है तब जनक महाराज कहल की पंडित सब शास्त्र के बंद कर जाओ अपने सब जाए जाओ आवश्यकता आती तो पुनः महास के बजाय सब पंडित के पठाकर तब अष्टावक्र के कुर्सी पर बैठा का तब कहल की बुआ हम तो ज्ञान की खोजी में छू तो कहल की बड़का बड़का रामायण और बड़का बड़का महाभारत पढ़ला से ज्ञान नहीं भेटो ज्ञान तो स्वयं के भीतर में खोजा पड़तो जे शुरू में बुआ चर्चा कलखिन के ज्ञान एक बालक से भी प्राप्त हो सके है गंगा सागर में बैठ जाए वो पानी के तरंग देखे वही से अहाँ के ज्ञान प्राप्त हो चिड़ई जो उड़े से राइट ब्रदर वो चिड़ई के उड़े जो देखल के तई के परिकल्पना का प्लेन बने एना का लर्न हुई है तै दुआरे हम अहाँ सब दुआरे कहलिए और का गुरु मान लेते अष्टावक्र बारह वर्ष के बालक के ज्ञान से जनक महाराज राजर्षि जनक लेने नहीं तो राजर्षि जनक नहीं बनते तै दुआरे हम तोरा सके कहलिए बुआ कि तो सब अपना के कखन कतौ ही नहीं बुझा के जे हम कमजोर छी हमरा पास में अर्थ नहीं है कदापि नहीं बुझा के अर्थ क्रिएट करे बोले तो सब तोरा सके हाथ में होने कोशिश तो करो हम शुरू में कहेंगे मैदान पूरा खाली है मैदान पूरा खाली नया रास्ता पर लगो ना वो नया रास्ता पर दूसरा दिन थोड़ा ही पहले चल दो पहले तो तोरे चलो पड़ते नहीं नया रास्ता तो बने होता दशरथ मांझी नाम के व्यक्ति है इंडिया में गुजरात में वो आदमी 22 वर्ष तक अकेले पहाड़ के काट के रोड बने नाम सुनने हो और रोड केला बनल की उनकर पत्नी भगली बीमार डिलीवरी के समय रहे पत्नी के उपचार के लिए जाते रहे लेकिन पहाड़ के कारण से वो नहीं जा सकले उनकर पत्नी आके एक्सपायर हो गई तो कल के आप दोसर के पत्नी रास्ता के लिए नहीं मरे से बात नहीं वो 22 बरस तक पत्थर के कटेत कटेत रोड आके बढ़े एक प्रकार के साहसिक वर्क भी करा पड़ता आप तो सब 80% में पढ़ा चाहे जा कि 20% सब उड़े के लिए जोरदार ताली